व्यापारी नेता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किया धरना प्रदर्शन। व्यापारी नेता ने सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। आचार संहिता का हवाला देकर अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बढ़ाने की मांग। डॉक्टरों की कमी से मरीजों को नहीं मिल रहा उपचार। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न सुधारने पर व्यापारी नेता ने आत्मदाह की दी चेतावनी। आज आप लोग यहां धरना कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? मैं विजयपाल सिंह बिक्की, प्रांतीय संयुक्त महासचिव उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड इज्जतनगर मंडल बरेली परामर्शदात्री, पूर्व अध्यक्ष मंडी समिति फल एवं सब्जी आरती संघ, कुल पद तो 17 हैं। इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, आते जाते रहते। अभी पिछले दिनों ही मैंने भाजपा ज्वाइन किया, लगभग एक महीने पहले। जो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी जो भी हैं भाजपा से, इतनी सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, उन सुविधाओं को यहाँ के जो सीएमओ हैं या अधीक्षक हैं, जो भी हैं, अधीक्षक तो मिलते हैं और आज मिले भी हैं, और लोग बाकी यहाँ अगर जो 8 लोग हैं तो 8 में मात्र 2 ही लोग दिखाई पड़ते हैं, वो भी इमरजेंसी करें क्या करें, स्टाफ कम है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि जहाँ डॉक्टर कम से कम 10-12, इतनी बड़ी CSC है, कम से कम 8 तो हों, स्टाफ नर्स भी गायब है, आपकी महिला चिकित्सक भी गायब है, डिलीवरी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, साफ सफाई नहीं है, जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं उनको फेंक रखा है महिला चिकित्सालय में। सुशांत यहाँ रहे, सुशांत इतनी सेवाएं देते थे, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, कम से कम जो आदमी रीजनेबल है उसको कम से कम ऐसी जगह पर बिठाया जाए जो अपने पद का निर्वहन कर सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मेरा मन कष्ट हुआ। सुबह 2 लोग तड़प रहे थे, यहाँ कोई देखने वाला नहीं था, अनकेत आए, वो कह रहे थे मैं इमरजेंसी करके गया हूँ। डॉक्टर रेहान आए, उससे पहले मैं 2 मरीजों को निकलवा चुका था यहाँ से दिखवा के। वो एक लड़का विकलांग है, वो खाली ऐसे काम सीख रहा है, फिर भी बहुत अच्छी सेवाएँ देता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक यहाँ पर डॉक्टर नहीं बढ़ाए जाएंगे, स्टाफ नहीं बढ़ाया जाएगा, यही हाल रहेगा। आज धरना दिया है, कल को दौड़ाव का भी कार्यक्रम करूँगा, उसके बाद ताला डालने का भी काम करूंगा, उसके बाद माननीय मोदी जी, माननीय पहली बात तो प्राथमिकी मैं आज ही दर्ज कराता हूं जिला प्रशासन के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि सुविधा को सुधार दीजिए या ये बंद करके जो आप एक नई स्कीम लाए हैं कि झोला छाप खत्म किए जाए, मैं उसका स्वागत करता हूं। उसमें जो आप सुविधाएं दे रहे हैं कि 25% कमीशन और क्या नाम योग्यता के अनुसार तनख्वाह, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन चीज़ों को यहां लागू करिए, इतनी इतनी मोटी तनख्वाह देने से सर कोई फायदा नहीं, ये खाली गवर्नमेंट के पैसे को पलीता लगा रहे हैं। सीएमओ बहुत लूट कर चुके हैं, पिछले दिनों एक महिला का बच्चा रोड में ख़त्म हो गया था, उसमें भी इनको सर दोषी को किसी को सजा नहीं दी गई। नजुलिया में एक परिवार रहता है मंडल, उसके बच्चा होना था तो CSC में वहाँ भर्ती SC में भर्ती कराया गया, आखिरी टाइम तक उससे इंसुलेटर दुनिया भर का सारा सामान स्टाफ ने मंगवाया, कोई सुविधा नहीं दी सर। आखिर में मरा हुआ बच्चा, वो अपने उनसे जबरदस्ती कैश उनके वहाँ से निकाल ले गया, खटेमा में उसने ऑपरेशन कराया, उसका बच्चा भी मर गया। उसमें अभी तक शिकायत की हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी शिकायत गई है, मंडलायुक्त के पास भी शिकायत गई है, मुख्यमंत्री जी के, मगर CMO ने पैसे लेके उसको वहीं रोक रखा है। कह रहे मुझको दुहाई दे रहे हैं कि आचार संहिता लगी। सर अगर जो दोषी है, अगर आचार संहिता लगी तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? कुल मिला के मेरा कहना यह है, इन भेड़ियों को सजा मिले, नहीं तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH